और दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2019 ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, अब आने वाला है 2020। वैसे एक बात तो क्लियर, 2019 में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थे पिछले कुछ महीने में, तो मैं आपको बता दूं 50 से भी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 2019 स्मार्टफोन के मामले में काफ़ी ज़्यादा कमाल का ईयर रहा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2019 की अपेक्षा 2020 में ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो मतलब 2020 भी कमाल का ईयर रहने वाला है स्मार्टफोन के मामले में। वैसे दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 2020 में जनवरी के महीने में कौन से स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे जिनका आपने जरूर से वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मन बना लिया 2020 में कोई स्मार्टफोन खरीदने का तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें और अभी से डिसाइड कर लें कि आपको जनवरी के महीने में कौन सा फोन परचेज करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जो फ्रेंड्स लिस्ट चालू करेंगे ऐसी कंपनी से जिसने 2019 में सबसे ज्यादा अपने स्मार्टफोन सोल्ड किए थे, और वो कोई और कंपनी नहीं है, वो है रियलमी। रियलमी ने 2019 में 50 मिलियन से भी अपने ज्यादा स्मार्टफोन सोल्ड किए। सोच लीजिए कितना बड़ा नंबर है, और ये रियलमी के नाम है। और रियलमी 2020 में भी काफी ज्यादा कमाल करने वाला है, क्योंकि जनवरी के महीने में रियलमी की तरफ से आपको रियलमी 6 आपको देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की क्लियर तरीके से पिक भी सामने आ गई है फ्रंट वाली। इस बार जो आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको बीच में राउंड वाला कैमरा देखने को मिलेगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, ये क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के 710 प्रोसेसर के साथ आएगा, और कंपनी का ये कहना है कि ये जो स्मार्टफोन की प्राइस रहने वाली है वो 10 या 12 हज़ार रुपए के आसपास रहने वाली है। तो रियलमी 6 डेफिनेटली कमाल करने वाला है जनवरी के महीने में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रेडमी ने रेडमी के 34G और रेडमी के 35G वेरिएंट चाइना में लॉन्च कर दिए थे, वो आपको जनवरी के महीने में इंडिया में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, रेडमी के 30 का 5G वेरिएंट इंडिया में नहीं आएगा, 4G वेरिएंट इंडिया में आएगा। और इसी को देखते हुए, रेडमी के 35G वेरिएंट को देखते हुए रियलमी को ही पता नहीं क्या हो गया, तो रियलमी ने कहा हम भी कहां पीछे रहने वाले हैं। तो रियलमी भी अपना 1 जनवरी में स्मार्टफोन लेके आने वाला है जो कि 5G वेरिएंट का होने वाला है, और इसका नाम है रियलमी X50। ये रेडमी के 30 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये भी 5G वेरिएंट के साथ आएगा, हो सकता है इसका भी 4G वेरिएंट लॉन्च करें वो, तो वो आपको इंडिया में जनवरी के महीने में देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये 7th of January 2020 में लॉन्च होना है। जब लॉन्च होगा तो हम आपको जरूर से बताएंगे इस स्मार्टफोन के बारे में। लेकिन उसके लिए दोस्तों इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जिसका लोग काफी टाइम से वेट कर करके थक गए हैं, और हम ये स्मार्टफोन अपनी लिस्ट में हमेशा रखते हैं टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की, लेकिन अभी तक आया नहीं। वो स्मार्टफोन कोई और नहीं है, वो है ऑनर का 9X। पहले लोग कैसे कर रहे थे अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन ये कंफर्म है कि ये आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या पता ये लोग सोच रहे होंगे कि 2019 में अगर हम लास्ट में फोन लॉन्च करेंगे तो हमारा फोन पुराना हो जाएगा, तो क्यों ना इसको 2020 में लॉन्च किया जाए। इसीलिए डेफिनेटली आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक और ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको जनवरी के महीने में ही देखने को मिलेगा, वो है ओप्पो का K5। इस स्मार्टफोन में आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। ये डेफिनेटली कंपीट करने वाला है वो रियलमी के X2 के साथ कंपीट करने वाला है, क्योंकि वही सेम प्राइस में आएगा 15 या 16 हज़ार रुपए की प्राइस में। तो डेफिनेटली जनवरी के महीने में मार्केट को किल करने वाला है। वैसे दोस्तों 2019 जो ना वो सैमसंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, सैमसंग की M सीरीज, A सीरीज, S सीरीज। आपको 2020 में जनवरी के महीने में सैमसंग की A सीरीज के भी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, सैमसंग का A51 और A71 आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। इन स्मार्टफोन की खासियत यह है कि इस बार इनकी जो डिस्प्ले है वो फुल व्यू डिस्प्ले है, और बीच में आपको राउंड कैमरा दिया गया, मतलब गोल वाली पंच होल डिस्प्ले कह सकते हैं आप इसको। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको बैक में 4 कैमरे 48 मेगापिक्सल के साथ मिल जाएंगे। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा बताई जा रही है, 21 या 22 हज़ार रुपये बताई जा रही है। वैसे दोस्तों
आपको चीज बता दूं, हमने सैमसंग के A51 और A71 पर फुल डिटेल्स में वीडियो बनाई है, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जनवरी 2020 में आपको वीवो की तरफ से भी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है वीवो S1 Pro। इसमें खासियत यह है कि इस बार इनके कैमरे जो दिए गए हैं वो कुछ इस टाइप के दिए गए, जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर के साथ आता है और फ्रंट में जो यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन रहने वाला है, ये जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगा। प्राइस जो है वो 17,000 से 18,000 रुपये के बीच में ही रहेगी, अगर इससे ऊपर आएगा तो डेफिनेटली लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और दोस्तों एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि 2020 में आपको देखने को मिलेगा, ये डेफिनेटली मार्केट को किल करेगा, कैमरा स्मार्टफोन है ये, मैं बात कर रहा हूं Mi Note 10 के बारे में जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है Mi CC 9 Pro के नाम से। इंडिया में आपको Mi Note 10 के नाम से देखने को मिलेगा। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत है इसका। और इसमें आपको कर्व डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं। ये जनवरी में आएगा और डेफिनेटली पूरी मार्केट को हिलाएगा। और मैं आपको दोस्तों प्राइस बता दूं तो इसकी प्राइस वो 25,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में ही रहने वाली है। क्या आप लोग दोस्तों इस फोन का वेट करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में आखिरी स्मार्टफोन आता है, इसका काफी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं, 2019 पूरा चला गया वेट करते करते, मैं बात कर रहा हूं पोको F2 के बारे में। पोको A1 2018 में आया था, क्वालकम के स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ काफ़ी ज़्यादा बवाल स्मार्टफोन था। 2019 में सारे लोग वेट करते रहे पोको F2 कब आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2020 में आपको पोको F2 देखने को मिलेगा। इसकी जो है इमेजेस आना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब क्लियर है कि डेफिनेटली आपको 2020 में पोको F2 देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जनवरी में देखने को मिलेगा, ये फरवरी में देखने को मिलेगा, ये मैं अभी नहीं कह सकता, जब भी आएगा तो हम आपको जरूर से इसके बारे में बता देंगे। चले दोस्तों ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको जनवरी 2020 में आपको देखने को मिलेंगे। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दें, और चैनल पे अभी तक बने हुए सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।